नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें 15,000 के मुचकले पर जमानत दे दी है। ईडी ने कहा है कि वे शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल का बयान लेना चाहती है, लेकिन केजरीवाल ने 8 समन के बावजूद भी ईडी के सामने पेश नहीं होने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने का आदेश दिए हैं और मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। पिछले शुक्रवार जिस दिन 15 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की याचिका की सुनवाई हुई थी, ईडी कोर्ट में पेश होने के लिए 7 मार्च को समन जारी हुआ था और अब तक उन्हें 8 समन जारी किए गए हैं, लेकिन केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसके बाद ईडी ने कोर्ट में पेश केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज करवाई हैं। कोर्ट में 15 मार्च को स्पेशल जज राकेश सयाल के सिंगल बेंच में ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पेश हुए। उनके वकील सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता और एडवोकेट राजीव मोहन रहे। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने ईडी के हर समन का जवाब दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी की वजह से वे ईडी के सामने पेश नहीं हो सके। जब केजरीवाल 2 फरवरी को 5वें समन के बाद पूछताछ के लिए नहीं आए, तब ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण 14 फरवरी को कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए थे। कोर्ट ने इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की थी। इस मामले में ईडी ने अब तक केजरीवाल को 8 समन भेजे हैं, लेकिन एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं।